दोस्तों सी जब करते समय हमेशा सागर और महासागर के बीच में ही रहना पड़ता है, तो उसमें कौन कौन सी परेशानियाँ आएगी और कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में एक छोटा सा वीडियो जो हमारे कैप्टन की तरफ से समझाया जा रहा है। ट्रेनिंग के रूप में दो ग्रुप बनाया गया है, एक पोर्ट साइड जो लेफ्ट साइड तरफ है और हम इस समय राइट साइड में हैं जो लाइफ बोट तरफ है। तो यहाँ पे समझाया जा रहा है कि कैसे हम अपने आप को इमरजेंसी के समय में हम कैसे लाइफ बोट को स्टार्ट करेंगे, कैसे लाइफ बोट को स्टार्ट करने से पहले कौन कौन से इक्विपमेंट्स को हमको अलग करना पड़ता है, कैसे इसको हैंडल करना पड़ता है, उन सब चीज़ों के बारे में समझाया जा रहा है। ये हमारे पंपमैन और ये हमारे वाइट शर्ट में जो दिख रहे हैं थर्ड इंजीनियर। दोस्तों अभी हमारा बोट चल रहा है, हम चाइना की तरफ जा रहे हैं और अभी हम कंटिन्यू 48 आवर से चालू है इस ये बोट चाइना की तरफ। अब कब पहुंचेगा ये नहीं मालूम है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, छोटा सा वीडियो है, इसको देखिए और आगे चल के वीडियो में आपको समझाऊंगा दिखाऊंगा कि इसमें लाइफ बोट को कैसे स्टार्ट किया जाता है, कौन कौन से। दोस्तों हमें परमिशन मिल गई है लाइफ बोट में एंटर करने के लिए, तो हम लाइफ बोट तरफ जा रहे हैं और देखिए हम इस समय लाइफ बोट में आ चुके हैं। अभी कुछ लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। इस लाइफ बोट में मे बी 16 पर्सन को बैठने की जगह है, 16 आदमी बैठ सकते हैं। ये हमारे हैं थर्ड इंजीनियर जो पहले समझाएंगे कि इसको कैसे स्टार्ट किया जाता है, कौन से लाइफ बोट में इंटर करने के बाद सबसे पहले अपना सेफ्टी बेल्ट बांधना होता है। जो देखिए सभी लोग अपना अपना सेफ्टी बेल्ट बांध रहे हैं, मैं भी अपना सेफ्टी बेल्ट बांध चुका हूं। और दोस्तों एक द्वार है मुख्य द्वार लाइफ बोट में इंटर करने के लिए, और यहाँ पर आपको सामने दो बैटरी दिख रही है, बैटरी यहाँ पर दो की है, दो चाबी इस बैटरी को। तो सबसे पहले हम बाहर से एक लाइट है जो बैटरी को चार्ज करने के लिए हमेशा लगाया रहता है, उसको पहले हम ऑन प्लग करेंगे, उसके बाद हम आके इस बैटरी के दो की को चालू करेंगे या किसी एक की को चालू करेंगे। देखिए हमारे चीफ इंजीनियर उसको चालू करेंगे अभी उस की को, तो एक बैटरी चालू होगा। हाँ ये की है, इसको चालू करेंगे उसके बाद एक बैटरी चालू हो जाएगा। आप एक बैटरी से नहीं चालू कर आपका लाइफ बोट, आप दोनों बैटरी का दोनों की चालू कीजिए, अगर दोनों अच्छा से चार्ज है तो दोनों से चालू हो जाएगा। चालू हो जाने के बाद आप इंजन को स्टार्ट करेंगे। आगे साइड में एक बटन है, उस बटन को एक बार प्रेस करना है, उसको प्रेस करने पर वो इंजन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इंजन स्टार्ट होने के बाद मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ साइड में, ये है सर्च लाइट। इस बोट के सभी इक्विपमेंट्स को जांचा जा रहा है कि कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है। आई डू अच्छा क्या चेक के प्रोपेलर है, आई चेक ऑलरेडी, ओ रनिंग और नो रनिंग। अरे तो भी भाई हम तीन लोग इसमें नए हैं। देखिए अभी हमको इंजीनियर हम तीनों आदमी को बोलेगा लाइव बोर्ड को ऑपरेट करने के लिए, चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। नाउ रिमूव यू चेक आउट समथिंग डिवाइस फॉर आईएनसी। If the light bulb is lower on the water level, this buoyancy push this one, push this one. So at the time, this one can easily release. Can easily release. So power and up, poke already. Already ready. But if you want to release and before the light bulb is before lower the water level, all inside the lights, canopy lights. If you want to release, working. And you need to remove this lock because of this buoyancy is already locked. So you need to remove first this lock, and then you need to release. Other time, light bulb becomes a hole. Light bulb further. That's for them. Also, equipment checks and also drain line check and all out release system. All out release system. Also, pump if check is light bulb is over. Lower the water level. This one the offload release system. This one is the program. Yes, this one is when the night time is a radius. I have a radius. Emergency. In the radius, the night time is illuminating. Over. दोस्तों वीडियो पूरा नहीं बना पाए क्योंकि
इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हमको भी सीखना था, जानना था, तो वहाँ पे ये लोग वीडियो को स्टॉप करा दे रहे थे, मोबाइल यूज़ करने के लिए स्टॉप करा दे रहे थे, तो हम मोबाइल बंद करके रख लेते थे, फिर हम जब भी टाइम मिलता था हम वीडियो बनाना चालू करते थे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को किसी काम आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि शायद आपको भी कभी अपॉर्चुनिटी मिले सी जॉब करने के लिए तो ये वीडियो आप लोगों के काम आ सकता है। Okay.